स्लीव्स जो है वो इस तरह से स्लीव्स का डिज़ाइन है और नेक लाइन कवर्ड है क्योंकि अबाया है, पर नेक नज़र नहीं आती। और ये इस तरह का थ्री लेयर अबाया है जो मैंने अपने कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फिर जो है वो मैं अपने कस्टमर के लिए एक अबाया का फैब्रिक लेने जो है वो मार्केट आई हुई हूँ। मुझे ऑर्डर मिला था एक थ्री लेयर अबाया जो है वो मैंने बनाना था क्रिंकल या जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर, जो आजकल चले हुए एज एन फ्रॉक भी आप उसको वेयर कर सकते हो और अबाया भी। तो यहाँ पे जितने भी प्रिंट्स थे मैंने अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पिक्चर सेंड की उनकी, और उसमें से कस्टमर ने जो है वो ये वाला ब्लू पसंद किया और ये मैं इसको कटवा रही थी। और इस दफ़ा जो अबाया का साइज़ है वो ज़्यादा है, बड़ा साइज़ है, तो इसलिए इसकी लाइक पूरी डिज़ाइनिंग के लिए मुझे इसके चाहिए थे दो सूट। और उसके बाद मैंने शमीज़ भी इसी तरह डबल ली, लाइनिंग का कपड़ा भी डबल लिया, दो लाइनिंग्स ली। और यहाँ पे जो है ये वाला फैब्रिक था ये मैं करवा चुकी थी, इसकी कटिंग जो है वो हो गई थी और रेट्स वगैरह हो गए थे। दो सूट का कपड़ा मैंने लिया है फॉर अबाया, क्योंकि थ्री लेयर्स अबाया है उसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है, फिर अगर कम फ्लेयर हो तो वो अच्छा नहीं लगता। और कस्टमर ने स्पेशली कहा था कि फ्लेयर जो है वो उसको ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे और भी फैंसी कपड़े थे तो मुझे एक दो और भी कस्टमर के लिए चाहिए थे, तो वो मैं पूछ रही थी। यहाँ पे जो सामने पिंक और ऑरेंज सा लगा हुआ है ये मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह कस्टमर के ऑर्डर ही थे वो मैं कंफर्म कर रही थी। और यहाँ पे जो है वो दो सूट्स अबाया के लिए, अगर आपने बहुत बड़ा अबाया और खुला बनाना है तो उसके लिए फिर ज़्यादा कपड़ा लगता है, क्योंकि फ्रॉक होता है तो फिर उसका फ्लेयर जो है वो अच्छे से नहीं आता। यहाँ पे रेट्स वगैरह में पूछी थी और फैब्रिक्स के, और पेमेंट की मैंने और कपड़ा लेके घर आ गई। कपड़ा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इस तरह का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, थिक है, और ये इस तरह का भी फिर सही भी रहता है। बहुत ज़्यादा पतला हो तो वो एक तो संभालना भी मुश्किल होता है और उसका जो है वो बहुत जल्दी फटने का भी चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा मुझे मिल गया था मार्केट से। और उसके साथ अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके फुल डिज़ाइन में आपको दिखाती हूँ। और फुल डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, मैं सैम्पल पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है। और इसके स्लीव्स जो हैं वो आगे से इस तरह से मैंने बंद किए। ये जो है फाइनल लुक है अब इस फ्रॉक की, स्लीव्स पे इस तरह से फ्रिल लगी हुई है हाफ, और स्लीव्स का डिज़ाइन आगे से इस तरह से इलास्टिक डाल के बनाया गया ताकि, क्योंकि एज अ अबाया यूज़ करना है कस्टमर ने तो फिर बाजू आपको तो पीछे नहीं जाते। और नेक लाइन पे जो है वो बैन लगाया गया ताकि नेक नज़र ना आए, और इस तरह से पट्टी और बटन है ताकि पहनने उतारने में आसानी हो। ये दूसरा स्लीव, और इसकी जो लेयर्स हैं वो थ्री लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर ये, सेकंड लेयर और फिर ये थर्ड लेयर। और ये पूरा जो फ्रॉक है, एक तो इसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, मतलब बहुत नहीं फुल साइज़ से भी ज़्यादा था, इसकी लेंथ 58 है, तो ये फुल साइज़ जो होता है वो लाइक 20 कहेंगे 54-55 तक होता है, ये उससे भी ज़्यादा था। इसलिए इस पर जो फैब्रिक यूज़ हुआ है वो दो सूट्स का कपड़ा जो है वो यूज़ हुआ है इस पर। और ये इस तरह से कुछ इसकी फाइनल लुक है, और ये मेरा एक और ऑर्डर जो है वो रेडी टू डिस्पैच है। आई होप कि कस्टमर को पसंद आएगा। और ये जो है अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। और इसके साथ मैंने ये मास्क भी बनाया है ताकि सही फुल मैचिंग हो जाए। इस तरह से इसकी फुल डिटेल भी व्यू है, और फ्लेयर तो इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखिए यहाँ भी मैंने पकड़ा हुआ है और वो स्टिल उधर ही है, अभी जाके ये ओपन होगा और ये मतलब अच्छा लेयर्स वाला फ्रॉक बन गया। एज अ फ्रॉक भी आप यूज़ कर सकते हो, और एज अ अबाया भी। ये वाला ऑर्डर तो हो गया कंप्लीट, ये अब कस्टमर आ रही है पिक करने, तो जो है नेक्स्ट ऑर्डर इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। एक और फ्रॉक भी प्यारा सा मैं रेडी कर रही हूँ, पैनल्स फ्रॉक, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो थोड़ा अर्जेंट ऑर्डर है मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं इसको पैक कर लेती हूँ।
इसकी फोल्डिंग करती हूँ मैं। इसको मैंने जो है वो फोल्ड कर दिया, बहुत ही फाइन फिनिशिंग में है और मुझे इतना दिल कर रहा है इस तरह का मैं अपना भी बना लूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक है बच। अब मैं इसको पैक करती हूँ और कस्टमर को डिलीवर करती हूँ। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारी जो है वो ऑर्डर्स वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोगों की ये हो सके कि आप, अगर आप लोगों ने कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करवाना है मुझसे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो मेरे चैनल पर गिवन है। बाकी है कि हर चीज़ आप लोगों के सामने फाइन स्टिचिंग, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस को कॉपी करवा सकते हैं मुझसे। थैंक यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एंड पे मैंने पिक्चर्स जो है वो लगा दी अपनी कस्टमर्स की, वो लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।